हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम लंच पे बनाने वाले हैं पनीर की भुर्जी। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए हमने 2 से 3 अनियन को चॉप कर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्ची को चॉप कर लिया है और 1 टमाटर हमने चॉप कर लिया है। पनीर मैंने लिया है 300 ग्राम, ये मैंने घर पर ही बना रखा है और इसको मैंने पानी बिल्कुल इसका निकाल के इसको घिस के रख लिया है। आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है, आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और मिर्च आपके हिसाब से जैसे आप खाते हो। एक कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। उसके बाद मैंने डालूंगी अनियन। अनियन को हमने पूरा अच्छी तरीके के साथ भूनना है, लाल करना है। अगर कच्चा रहेगा प्याज तो भुर्जी अच्छी नहीं बनेगी। पनीर की भुर्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है पनीर डालने के बाद, लेकिन इसका मसाला बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपका मसाला अच्छे से भूंज रखा है, अच्छे से पका हुआ है, तो पनीर की भुर्जी बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बस आपको प्याज अच्छे से भूनना है। अब ये देखिए, 5 से 7 मिनट मैंने इसको ढक के रख दिया था, प्याज मेरा भून चुका है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दूंगी, इसको भी 30 से 40 सेकंड के लिए मैं इस तरीके के साथ हिला लूँगी ताकि ये पक जाए थोड़ी सी हल्की सी। सिम फ्लेम पे ये मैं काम कर रही हूँ। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी ताकि जो प्याज जो लाल हुआ है वो थोड़ा सा और गल जाए। अब मैं 2 से 3 मिनट सॉल्ट डाल के इसको दोबारा से ढक के पकाऊँगी इस तरीके के साथ। अब ये प्याज और हरी मिर्ची हमारी अच्छी तरीके के साथ पक चुकी है। इसको आप 2 से 3 मिनट इस तरीके के साथ हिला लीजिए और बाकी के मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च इसमें आप डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जो हमारा टमाटर हमने काट के रखा है, 1 ही टमाटर मैंने यूज़ किया है, उसको भी आप इसमें डाल दीजिए। टमाटर अगर आप स्किप करना चाहते हो, इसकी जगह आप शिमला मिर्च वगैरह डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। इस टाइम पर टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। अब ये टमाटर भी हमारा गल चुका है, 2 से 3 मिनट ढक के मैंने इसको पका लिया था। मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब जी मैंने इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसको स्किप कर सकते हो या इसकी जगह मैगी मसाला वगैरह डालना चाहो वो आप डाल सकते हो, इससे भुर्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये मैं इसमें पनीर अपना डालूंगी धीरे धीरे करके इस तरीके के साथ, और इसको पहले बिना ढके सिम फ्लेम पर मैंने इस तरीके के साथ इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए पूरा ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट या फिर 4 से 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, इसको सिम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट आप इसको ढक के पका लीजिए इस तरीके के साथ। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी भुर्जी रेडी हो चुकी है। अब आप इसको सर्व कर सकते हो रोटी के साथ, परोंठे के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।